वेलकम प्यारे बच्चों, आने लगा हूं मैं आपको, क्या लिखूं हेडिंग, क्या सब्जेक्ट लिखूं। आपके जहन में आ रहा होगा, कोई बोल रहा होगा ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई इकोनॉमिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो। तो सब्जेक्ट में कोई भी शुरू नहीं करने वाला हूं। देखो मेरी बात, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी मोहतरमा है, यानी कि आप शादी कर दी हो, ठीक है, ये आप हो, ये आप हो, यानी कि अरे हम अब कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, चलो ये आप हो, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। आपकी सैलरी है सिर्फ 10,000 रुपए और आपकी जो मोहतरमा है 10,000 रुपए से 2,000 का तो वो सिर्फ मस्कारा लगाती हैं, और 5-6 से नीचे आईलाइनर नहीं आता है, 1,000-1,200 से नीचे पर्स नहीं आता है। तो आपकी इनकम है लिमिटेड बट मोहतरमा के खर्चे हैं ज्यादा। अब आप क्या करेंगे, है ना दिक्कत यहां पे। तो अब आप क्या करोगे, आपकी सैलरी से काम नहीं चल रहा है तो आपने सोचा कोई दूसरा रिसोर्स पैसे का किया जाए। अब दूसरा रिसोर्स कौन सा, मैं जायज की बात कर रहा हूं, लीगल की, इलीगल नहीं। अब आप क्या करोगे, आपके घर में है 3 कमरे, एक कमरे और एक किचन में अपना गुजारा कर रहे हो और एक कमरा आप किराए पे दे रहे हो, रेंट देने लगे हो, रेंट पे कमरा क्या कर दिया आपने, रेंट पे देने लगे। पहले तो आपको रेंट पे देने की जरूरत नहीं थी जब आप अकेले थे, मगर जब शादी किए हो तो मोहतरमा के खर्चे बढ़ गए। अब आप सोच रहे हो माजी शादी की एग्जाम्पल काहे दे रहे हो, कुछ और काहे नहीं दे रहे हो, भाई इस वक्त यही एग्जाम्पल है, यही सुनो। तो आपने कमरा रेंट पे दे दिया तो इससे आपको इनकम आने लगी, यानी कि इन नट शेल मैं क्या कहने जा रहा हूं, आपकी इनकम थी कम, आपकी डिमांड थी ज्यादा, तो आपने क्या कर दिया, पहले वाली चीजों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि ज्यादा अमाउंट आ जाए। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अब मुझे बताओ इसमें डाउट की गुंजाइश कहां रखी है मैंने, क्या होता है इकोनॉमिक्स, सुनिए, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि अपनी चीजों को इस तरीके से यूज करना ताकि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर किया जाए। क्या होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अपनी चीजों को इस तरीके से शेयर करना ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर किया जाए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर कैसे किया जाएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब उस पर हम बात करते हैं, तो देखिए अभी आप इसको मैं अरेज करता हूं, अभी इकॉनमी क्या होता है मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं लेमन आईडिया आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अपनी चीजों को इस तरीके से यूज करना ताकि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो सबसे पहले ये आइडिया दिया था इकोनॉमिक्स का कौटिल्या ने, इसने दिया था कौटिल्या ने, जो कौटिल्या जी हैं इनको चाणक्या भी बोला जाता है, ठीक है ना, ये एसएससी में बहुत बार ये सवाल आया है कि चाणक्या इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इनको, कौटिल्या। तो जो चाणक्या जी हैं इनको कौटिल्या बोलते हैं और इन्हीं को ही विष्णु गुप्ता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हीं को ही, विष्णु गुप्ता। अब ये एसएससी में आया है सवाल बहुत बार, चाणक्या इज आल्सो नोन एज क्या, कौटिल्या, चाणक्या इज आल्सो नोन एज क्या, विष्णु गुप्ता। तो इकोनॉमी में हम सब कुछ डिस्कस करते जाएंगे, पॉलिटी भी यहाँ पे डिस्कस होगी, हिस्ट्री भी डिस्कस होगी, जब मैं टैक्स पढ़ाऊंगा तो मैं इस्लाम में ज़कात का कंसेप्ट बताऊंगा, हिंदू रिलीजन में क्या बोलते भाग का कंसेप्ट बताऊंगा, क्रिश्चियनिटी में बताऊंगा कि इससे टैक्स का क्या कंसेप्ट है, फिर बताऊंगा कि इंडिया में टैक्स का कंसेप्ट कहां से आया। तो हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को पढ़ते चलेंगे। तो कौटिल्या ने यानी कि चाणक्या ने यानी कि विष्णु गुप्ता ने सबसे पहले इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था, ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने कहा था, एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था अर्थशास्त्र, किताब का क्या नाम था, अर्थशास्त्र, और हिंदी में इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र ही बोलते हैं। और एक बार एसएससी में सवाल आया हुआ था कि जो अर्थशास्त्र कौटिल्या ने किताब लिखी है वो किससे रिलेटेड है, क्या वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो किताब तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी बट इसमें पॉलिटिकल इशू पे बात की हुई है, किस पे बात की हुई है, पॉलिटिकल इशू पे, यानी कि इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल इशू क्या होता है। अगर कभी पेपर में आएगा कि अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी, तो कौटिल्या ने लिखी, यानी कि चाणक्या ने लिखी, यानी कि विष्णु गुप्ता जी ने लिखी। अब ये जो अर्थशास्त्र किताब है ये किसके रिलेटेड थी, तो ये पॉलिटिकल इशू पे, यानी कि इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल इशू पे क्या असर होता है, जितना पैसा ज्यादा उतने ज्यादा वोट, नटशेल।
ये मैंने अभी तक आपको वो बातें बताई हैं जो एक ले मैन को बताई जाती हैं। अब मैं चलता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अब मैं इकोनॉमिक्स की लिखने वाला हूं डेफिनेशन, यहां से आप बच्चे लिखते चले जाओ। अच्छा एक बात और, अभी मैं आपको वो नोट्स भी बताऊंगा जो आपको हमने दिए हुए हैं, तो उन नोट से पहले आप क्या करना, एक पेज रख देना जिस पेज पे अभी वाली मेरी बातें लिखोगे। चलो हेडिंग डालो इकोनॉमिक्स और ये लिखो कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। आपके घर में कमरा खाली था तो आपने उसको वेकेट कर दिया और लगा दिया किराए पे, तो यानी कि आपने उसको क्या कर दिया, खाली करके यूज कर दिया ताकि प्रॉफिट जनरेट की जाए। तो इकोनॉमी का मतलब होता है इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को खाली करके उनका यूज किया जाए, क्या होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कैसा रिसोर्सेज, सो दैट क्या, आप सुनते जाओ। हमारी दुनिया में यानी कि हमारे इंडिया में या पूरी दुनिया में क्या कितने किस्म के लोग होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर बनाने वाला, एक होता है कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करता है, और तीसरी होती है हमारी सोसाइटी। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ए प्रोड्यूसर बाई यूजिंग लैंड, बाई यूजिंग लेबर या बाई यूजिंग कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल या बाई यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन चीजों का यूज करे और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। यानी कि सुनते जाओ, मैंने या आपने एक दुकान खोल दी, तो दुकान पे आपने या आपने के पास एक जगह थी सबसे पहले, जगह पे आपने दुकान खोली तो दुकान पे लगा दिए लेबर, लोग लगा दिए, आप दुकान पे सामान डाला के दुकान में कैपिटल डाल दिया, तो ढेर सारे ग्रुप ऑफ लोग हो गए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो आप चाहते हो कि जगह को, लोगों को, पैसे को, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे यूज करूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो, ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कंज्यूमर के लिए क्या है, आप चाहते हो कि मेरा कम से कम पैसा खर्च हो और मैक्सिमम बेनिफिट आ जाए। तो भाई क्या, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ए प्रोड्यूसर बाय यूजिंग लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन गेन्स मैक्सिमम बेनिफिट। ये प्रोड्यूसर के लिए डेफिनेशन है। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कंज्यूमर के लिए क्या होती है। स्टडी इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ए कंज्यूमर बाय यूजिंग मनी, आप मनी यूज कर रहे हो और बाजार जाके अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, बाय यूजिंग मनी एंड टाइम गेट मैक्सिमम बेनिफिट। आप दुकान पे जाते हो, आप चाहते हो ना कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज आ जाए, तो आप कंज्यूमर हो। दुकानदार चाहता है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो, मेरे लोग काम करें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, तो ये डेफिनेशन प्रोड्यूसर के लिए है। कंज्यूमर के लिए डेफिनेशन है कि वो पैसे और टाइम का इस्तेमाल करे और मैक्सिमम प्रॉफिट ले जाए। और सोसाइटी के लिए डेफिनेशन ये होगी कि सोसाइटी इन चीजों का यूज करे और इसका सोशल वेलफेयर हो। सोसाइटी का क्या हो, सोशल वेलफेयर हो, यानी कि आपका कोई मोहल्ला है, आपकी रोड अच्छी होनी चाहिए, हम बोलते हैं यार ये सोसाइटी बड़ी अच्छी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, कोई नालियां हैं तो वो पक्की होनी चाहिए, हर घर में वॉशरूम्स होने चाहिए, तो ये डेफिनेशन है। अब इससे पहले जो मैंने आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ाई है, यानी कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक होता क्या है, एक लेमन आइडिया दिया, आप अपनी चीजों को यूज करो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मान लो आपके पास कोई बाइक है, तो बाइक तो एक पर्सनल बंदे के लिए होती है, तो आप लॉकडाउन में बाइक को लगा देते हो बाहर और बोलते हो कि 10 किलोमीटर जाने के लिए ले लो 100 रुपया दे दो, तो आप अपनी बाइक को यूज कर रहे हो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो आप इकोनॉमिक्स यूज कर रहे हो। अब मैंने टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताई जो आपको ज्यादा अच्छे से, ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, कभी पेपर में नहीं आती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ए प्रोड्यूसर बाई यूजिंग लैंड लेबर कैपिटल या ऑर्गेनाइजेशन। अब लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जब मैं आपको फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताऊंगा तब मैं बताऊंगा फैक्टर इनकम क्या होता है, और कंज्यूमर बाई यूजिंग मनी एंड टाइम गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट, एंड सोसाइटी बाई स्पेंडिंग मनी गेट्स सोशल वेलफेयर। ये इकोनॉमिक्स की वहां पर आप लिख दो डेफिनेशन पहले पेज पे। अब थोड़ा सारा इकोनॉमिक्स के बारे में और फर्दर बातें पढ़ते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बहुत कम। तो अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं, ये भी लिख देना थोड़ा सारा कि इकोनॉमिक्स जो टर्म इकोनॉमिक्स है, द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक
वर्ड ओइकोनोमिया। इकोनॉमिक्स किस टर्म से निकला है? तो इकोनॉमिक्स निकला है ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड, घर की, घर के अखराजात को, घर के खर्चों को मैनेज करना। आपकी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, आपके खर्चे इतने भी नहीं होने चाहिए कि कल फ्यूचर में मनी की शॉर्टेज पड़ जाए, तो चीजों को कैसे मैनेज करना है। हर दिन शर्ट नहीं लेनी है, हर दिन कपड़े नहीं लेने हैं, तो घर के मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए ही जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब मैंने तो आपको बता दिया, चाणक्य ने कंसेप्ट दिया था, बट इंडिया के लोगों की एक प्रॉब्लम ये रही है कि हम ट्रेडमार्क में या हम अपना पेटेंट साइन करवाने में जरा पीछे रह जाते हैं। तो आदम स्मिथ ने जब डेफिनेशन दी, तो आदम स्मिथ एक बंदा है जिसको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसको मानते हैं आदम स्मिथ को। तो आदम स्मिथ के बारे में क्या? आदम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि एक नेशन की वेल्थ को कैसे जनरेट किया जाए बड़े लेवल पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम आए, ये वाली बात या ये डेफिनेशन सबसे पहले आदम स्मिथ ने दी, इसलिए आदम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आप मुझे बताओ, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आदम स्मिथ। इकोनॉमिक्स किस लैंग्वेज से निकला है? तो इकोनॉमिक्स टर्म ग्रीक से निकला है। इकोनॉमिक्स ग्रीक कौन से वर्ड से निकला है? तो ओइकोनोमिया से निकला है। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? तो ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। ये बात किसने कही थी कि स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको इकोनॉमिक्स किसने कहा है? आदम स्मिथ ने। तो अब उसके बाद में आपको ये दो बातें बताऊंगा, और आज बहुत कम पढ़ेंगे। अगला जो पहला लेक्चर मैंने यूट्यूब पर डाला था, ये उससे पहला वाला लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन है। देखिए, इकोनॉमिक्स दो किस्म की होती है। एक इकोनॉमिक्स होती है एक इंडिविजुअल बंदे की, ठीक है ना। एक होता है इंडिविजुअल बंदे की, जैसे आप बोलते हैं यार मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। और एक बोल रहे हो आप यार पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस वक्त डूबी हुई है, सोना जो 37,000 पे तोला, 37,000 पे का 10 ग्राम मिलता था, आज वही 50 ग्राम में मिल रहा है, तो ये पूरे इंडिया की इकोनॉमिक डूबी हुई है, यानी कि दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और अगर किसी की शादी है बेचारे की इन दिनों में, वो तो बेचारा गया काम से, जो चीज 37,000 रुपए में मिलके हो जाती थी, आज वही 50 में मिल रही है। जरा ठंड रखो, सोना सोना बाद में ले लियो, अभी जरा शादी कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक इंडिविजुअल बंदे का, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होल ग्रुप की इकोनॉमी, पूरे इंडिया की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी। जब मैं एलपीजी रिफॉर्म पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा इसके बारे में। अब थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना इसके बारे में, क्योंकि ये जो मैंने लिखा हुआ ये जरा अलग, बहुत डिटेल में चीजें लिखी, तो मैं जिनको हाईलाइट करूंगा आपको वो याद करनी है बस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट टेल्स अस होगा फ्री मार्केट, ये फलाना ढिमका, लिखी हुई चीजों को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ये सब नौटंकी है, लिखा तो मैंने खुद ही है, बट ये आपके लिए नहीं लिखा था, मैंने अपने लिए लिखा था। तो आप सिर्फ इतना लिख दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल इकोनॉमी, एक बंदे की इकोनॉमी क्या है। और मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, मैक्रो इकोनॉमी के बारे में लिख दो कि पूरी दुनिया की, देखिए देखिए ना, यहाँ पे टोटल इंप्लॉयमेंट किसी कंट्री की, नेशनल प्रोडक्ट या पूरी नेशनल इनकम, पूरी दुनिया की इकॉनमी, उसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल बंदे की, और मैक्रो का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि पूरे नेशन की इकॉनमी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक अपनी सैलरी की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकॉनमी, अगर मैं पूरे इंडिया के लोगों की इनकम की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकॉनमिक्स। एक नोट आप याद रख देना, सिर्फ एक मेरी बात सुनिए, इस वक्त आपकी जेब में कितना पैसा है उसको बोलते हैं आपकी लिक्विडिटी, इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। इस वक्त मेरी जेब में कितना पैसा है उसको बोलते हैं मेरी लिक्विडिटी। इस वक्त पूरे जम्मू के लोगों की जेबों में कितना पैसा है तो उसको बोलेंगे जम्मू के लोगों की लिक्विडिटी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जेबों में कितना पैसा है तो हम उसको बोलेंगे हिंदुस्तान की लिक्विडिटी। और जब बड़े लेवल पे बात कर रहे, पूरे हिंदुस्तान लेवल की बात कर रहे, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स या लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब पैसा कितना है। तो इन नटशेल इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। ये नोट याद रखना है। क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। अभी जब मैंने दूसरा लेक्चर हम आपको देंगे तो उसमें इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा मैं, चीजें महंगी कैसे होती हैं, चीजें सस्ती कैसे होती हैं, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में कैसे अप डाउन होती है,
हम कैसे बोलते हैं कि ये 80 रुपया 1 डॉलर के मुकाबले में है, ये अप डाउन कैसे होता है? तो अब हम वो पढ़ेंगे। एग्रीगेट का मतलब होता है पूरे हिंदुस्तान की इकॉनमी, तो मैक्रो इकॉनमी इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट इकॉनमी। क्या बोलते हैं इसको? एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सारे ग्रुप का, सब जुड़ा हुआ। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा आप पे बर्डन ना हो जाए, आपके पास जो नोट लिखे हुए हैं मैं वही डिट्टो पढ़ाऊंगा, जो आपके पास नोट मिल गए हैं वही पढ़ाना है। बट उस वो टॉपिक मैंने डायरेक्ट इन्फ्लेशन से शुरू किया हुआ है। इन्फ्लेशन से पहले ये बताना जरूरी है इकोनॉमिक्स क्या होती है, कहां से आई, इसके पापा कौन हैं और इसके पड़ोसी कौन हैं, ये सब पढ़ना जरूरी है। तो पापा के बारे में बता दिया, आप धीरे धीरे पढ़ाएंगे पड़ोसी के बारे में, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन फलाना ढिमका ये सारी बातें। तो आप सिर्फ अभी लिखो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख दो, और उसको ऐसे एक लिख दो माइक्रो इकोनॉमी, एक लिखो मैक्रो इकोनॉमी, उनमें क्या फर्क है। तो अगले एपिसोड में मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ाऊंगा और फिर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और एक बात, इकोनॉमिक्स के नोट बहुत लेंथी है, इकोनॉमिक्स बड़ी लेंथी है। अगर आप KS का प्रीलिम्स लेवल का पेपर दोगे तो इकोनॉमिक्स 110% जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आएगी, 110%, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और बहुत जल्दी फिर हम कोई दूसरा टॉपिक भी शुरू करेंगे, उसके लिए यूट्यूब में हम फ्री सेशन भी लाने वाले हैं उनके लिए। हमसे जुड़े आज के लिए रहने इतना ही, के थैंक लिए यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।